हेलो, वेलकम टू कंपटीशन। अब आज एक अपडेट है एसएससी सीजीएल 2018 से रिलेटेड कि कब तक हो सकता है। एक अनुमान है कि कब तक हो सकता है ये एग्ज़ाम और वेंडर कब तक घोषित हो सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैं आपको बता दूं मई के मंथ में, और इसमें मैंने अनाउंस किया था कि कम से कम ये एग्ज़ाम आपको बहुत डिले जाके होगा। वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब पर, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो तरीका था, मैंने जो प्रिडिक्शन की थी, गवर्नमेंट किस तरीके से वेंडर चेंज करेगी और कितना लंबा प्रोसीजर होता है चेंज करने का, वेंडर चेंज करने का, तो उस बिहाब पे ये वीडियो बनाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे ही हो रहा है, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। गाइस, एक और एक अपडेट है कि क्रैश कोर्स चल रहा है, जो अभी करंट अफेयर्स का पर्टिकुलर चल रहा है, अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स चल रहा है, कंपटीशन आपके द्वारा चलाया जा रहा है। यदि आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करना चाहें इस पर्टिकुलर ऐप को, तो पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और एजुकेटर में जाके मुझे फॉलो करना चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं कॉम्पिटिशन हब लिख के। यकीन मानिए, यदि आप ये सारी की सारी वीडियो देखेंगे क्रैश कोर्स की, करंट अफेयर्स की, तो आपके जनरल अवेयरनेस का जो चैप्टर है उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे आने वाले एग्जाम। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल लिखा हुआ है, 30 सितंबर के बाद तय होगी नई एजेंसी। एजेंसी चयन के बाद ही एसएससी करा सकेगा परीक्षा। केंद्र सरकार ने एनएसआईजी को दी जिम्मेदारी, संस्था 30 तक देगी रिपोर्ट। ये सारा का सारा न्यूज़ आर्टिकल, मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से निकला है, अमर उजाला इलाहाबाद से निकला हुआ है। एसएससी की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए नई एजेंसी का चयन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने किसको दी है, सभी को पता है। आईटीआई के थ्रू ये चीज़ें सभी को पता लग चुकी हैं। तक अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ही आयोग ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करा सकेगा। अब तक कार्यरत एजेंसी सिफी के जांच के घेरे में आने के बाद केंद्र सरकार ने उसे ऑनलाइन परीक्षा कार्य से हटा दिया है। सूत्रों का कहना है कि नई एजेंसी के चयन के काम में लगी एनआईएसजी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपेगी, इसके बाद ही नई एजेंसी तय हो सकेगी। तो बात यह है कि 30 सितंबर तक रिपोर्ट पहुंचेगी, उसके बाद फिर वेंडर डिसाइड होगा। मतलब आप मान लीजिए, यदि सितंबर वेंडर डिसाइड होता है तो फिर उसके बाद वो प्रोसीजर करेंगे आगे के एग्ज़ाम का। सीपीओ का एग्ज़ाम है उनका, ये सारे के सारे जो आप एग्ज़ाम देख रहे हैं ये पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। सीजीएल जुलाई अगस्त में होना था, अभी पता नहीं है। कॉन्स्टेबल जीडी 20 अगस्त से होना था, ये भी नहीं पता। दिल्ली पुलिस एसआई जो जून में होना था, वो भी नहीं पता। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर, तो ये सारे के सारे जो पद हैं, इन सब का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को वेंडर फाइनल होगा। तो उसके बाद आप ये मान लीजिएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर ये महीने से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएंगे। तो नवंबर से आप मान के चलिएगा ये एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो पाएंगे, और जिसमें पहला सीपीओ एसआई का ही होना है, ये कन्फर्म है। तो ये जो अपडेट थी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू अवेलेबल टाइम। यदि कोई इश्यू हो तो कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा ऑथेंटिकेट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ।